बीते दिन रामनगर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां बीती 10 जुलाई को बिहार की एक प्राइवेट कंपनी AWPL के करीब 250 लोगों का ग्रुप रामनगर घूमने के लिए आया था। इसके बाद सभी लोग रामनगर स्थित ग्राम क्यारी में स्थित एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे और शनिवार की सुबह इस ग्रुप में शामिल सुंदर ठाकुर, जिनकी उम्र 50 साल है, जो कि बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही तुरंत इसके बाद इस पर्यटकों को साथ में मौजूद अन्य लोगों और रिजॉर्ट स्टाफ द्वारा उपचार के लिए रामनगर सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू करते हुए मामले की जाँच अब शुरू कर दी है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद जी, आप कहाँ से आए और क्या मामला आपके साथ है? जमुई से आए हुए थे और यहाँ आपके नैनीताल टाइगर जिम रिसोर्ट में रुके हुए थे। हम लोग पूरे टीम के साथ 250 आदमी आए हुए हैं घूमने के लिए, और उसी दौरान जो है आज सुबह हमारे एक साथी थे सुरेंद्र ठाकुर जी, जमुई के कल्याणपुर के रहने वाले हैं, स्नान करने के दौरान उनके पेन हुई सीने में और अचानक हम लोग तब तक यहाँ हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने कुछ देर के बाद मृत घोषित। स्नान कायम कर रहे थे नल के नीचे ही? वैसे नहीं, नल लगा हुआ था, नल से नीचे से स्नान कर रहे थे बैठ कर जी। दर्द हुआ एकाएक उनको, तो बोले कि पेन हो रहा है, हमको ले चलिए अस्पताल। तो हम लोग सब साथी 4-5 को तुरंत गाड़ी करके यहाँ आए। सर, ये कौन से होटल में है और कहाँ पे? ये टाइगर जिम रिसोर्ट है, उसी में हम लोग रामनगर। अच्छा, रहने वाले कहाँ के प्रॉपर? ये जमुई कल्याणपुर बिहार। इसी कंपनी के थ्रू आए थे या? ना, ऐसे ही हम लोग पूरे टीम बना हुआ है, ऐसे ही साथ घूमने के लिए 250 में आए थे। 10 जुलाई को बिहार की एक प्राइवेट कंपनी के करीब 250 लोगों का एक ग्रुप रामनगर घूमने के लिए आया था, जो क्यारी स्ट्रीट आया जा रहा है कि ठहरे हुए थे, और बताया जा रहा है कि आज शनिवार की सुबह उसमें एक पर्यटक की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई, जिसके बाद अन्य पर्यटकों में जहां एक और भगदड़ मच गई, तो उन्होंने इसकी जानकारी तत्काल रिजॉर्ट प्रबंधन को दी, जिसके बाद इस पर्यटक को रामनगर के सरकारी अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि मृतक के परिजन बिहार में मौजूद हैं, लेकिन उनके साथियों से बात हुई है, उनका कहना है कि अचानक इसके सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद इसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा 50 वर्षीय यह पर्यटक है। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस भी रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कराने के साथ ही शव की पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़।